नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम गहिरे और आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे हम जो है हमारे कंप्यूटर में बायोस का पासवर्ड हम रीसेट कैसे कर सकते हैं, या फिर बायोस का पासवर्ड आपने किसी कंप्यूटर में सेट करके रखा है या और जो है आप वो भूल गए हो तो घबराइएगा मत दोस्तों। आप इस वीडियो में जानोगे कि हम जो है बायोस का पासवर्ड रीसेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि हम बायोस को पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, तो आपको अगर पता करना है कि हम बायोस का पासवर्ड कैसे देते हैं तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो, जिसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और एंड में भी लगा दिए, तो आप वो वॉच करके पासवर्ड जो है दे सकते हो आपके बायोस को। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है बायोस के पासवर्ड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ओके दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से आप मेरा चैनल पर जाकर सीधा जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे अबाउट कंप्यूटर रिलेटेड, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कंप्यूटर रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके दोस्तों। और अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल उस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि माया 3D एनिमेशन, MS ऑफिस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में कोई भी बात हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कि मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बायोस का पासवर्ड हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एंटर करंट पासवर्ड मांग रहा है दोस्तों, देखिए मैं पीसी जो है मेरा रिस्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं डेल बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो बायोस का पासवर्ड यहाँ पे मांगेगा, बायोस के विंडोज यहाँ पर ओपन नहीं होगी, ओके। तो आप देख पाओगे, मान लीजिए ये पासवर्ड जो है मैं भूल चुका हूँ, ओके, मुझे अभी इसे रीसेट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो है आपकी कंप्यूटर की पावर पूरी ऑफ कर दीजिए, ओके, पूरी पावर ऑफ कर लीजिए। और याद रखिए आपको जो है पूरी पावर ऑफ करनी है, यहाँ पे सारी ये जो केबल है ये पिन यहाँ पे सारी ऑफ करनी है पावर। उसके बाद में जो है आप अपना CPU ओपन कर लीजिए, जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, एक सेकंड मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाइट ऑन करता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने लाइट ऑन कर लिया यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही होगी ये CMOS की बैटरी, ओके, ये वाली जो बैटरी है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बैटरी है, तो यहाँ पे आपको उसे रिमूव करना है, ठीक है। ये वाली बैटरी को आप, मैं यहाँ पे कैमरा लगा देता हूँ आपको दिखाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मैंने यहाँ पे कैमरा लगा दिया है। तो ये वाली जो बैटरी दोस्तों CMOS की कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं, इसमें जो है हमारा कंप्यूटर की पावर ऑफ होने के बाद में जो बायोस की सेटिंग होती है या फिर डेट और टाइम होती है वो इसमें सेट होती है, ओके। तो आप जो है इसे 10 सेकंड के लिए या फिर मिनिमम 10-20 सेकंड के लिए जो है इसे आप निकाल कर रिमूव कर लोगे और उसके बाद में फिर से इंस्टॉल कर लोगे तो आपका जो बायोस का पासवर्ड जो है वो रिसेट हो जाएगा, ओके। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको उसके बाजू में जो प्लग एक दिखाई देगा, प्लग वहाँ पे आपको उसे प्रेस करना है दोस्तों इस तरीके से। देखिए आपने, आप यहाँ पे मैंने जो है ये निकाल ली है, ओके, ये वाली CMOS की बैटरी, तो इसे हम मिनिमम 10 सेकंड तक बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 सेकंड तक जो है इसे बाहर रखा, तो अब भी हमारा CMOS का जो सारा सेटअप होगा वो रिसेट हो चुका होगा, तो हमें फिर से इसे बाद में इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ इसे और इस तरीके से इसे इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, ओके। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, ओके। तो अभी जो है मैं ये ऑफ करता हूँ, लाइट ऑफ करता हूँ यहाँ पे, और आप अब देख पाओगे मैं अपनी पावर जो है यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर की पावर ऑन कर दी है, मैं यहाँ पे CPU ऑन करता हूँ, आप देख पाओगे यहाँ पे पावर का बटन है, मैं यहाँ इसे ऑन करता हूँ और उसके बाद में जो है मैं डेल बटन प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो वो जो एंटर पासवर्ड मांग रहा था वो अब यहाँ पे नहीं मांगेगा, सीधा बायोस की जो विंडो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख पाओगे यहाँ पर मेरे बायोस का पासवर्ड जो है वो रिसेट हो चुका है, यहाँ पर मेरा जो बायोस का विंडो है वो ओपन हो चुकी है, ओके दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मोर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और कंप्यूटर रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपका होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगा, ओके। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, बाय।